जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यीशु ही मसीह ब्लॉग में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अब्राहम और सारा की कहानी के बारे में जानेंगे, जो बाइबल के पुराने कथाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है। अब्राहम और सारा की कहानी परमेश्वर पर अटूट विश्वास और अपने वंश की स्थापना की यात्रा पर केंद्रित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको यीशु मसीह की सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक आए। अब्राहम का जन्म मेसोपोटामिया के उर नामक स्थान में हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम को यह कहकर बुलाया कि वह अपना देश, अपनी जाति और अपने पिता का घर छोड़कर एक नए देश की ओर चले, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वह उनके वंश को आशीर्वाद देंगे, उसे एक महान राष्ट्र बनाएंगे और उनके द्वारा सभी जातियां आशीष प्राप्त करेगी। अब्राहम और सारा के पास लंबी उम्र तक कोई संतान नहीं थी। यह उनके लिए एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक महान वंश की स्थापना का वादा किया था। अपने संतानहीन होने के कारण सारा ने अब्राहम को सुझाव दिया कि वे अपनी दासी हजीरा से संतान प्राप्त करे। हजीरा के साथ अब्राहम का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। उस समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीर्वाद दिया कि उनके अपने संतान भी होगी। इस वादे के अनुसार जब अब्राहम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की थी, तब उनके पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। यह एक चमत्कार माना गया, क्योंकि सारा वृद्धावस्था में संतान प्राप्त करने में असमर्थ मानी जाती थी। बाइबल की कथा में परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसने अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने को कहा। अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि वेदी पर चढ़ाने का निर्णय लिया और आज्ञा का पालन किया, लेकिन ठीक समय एक स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया और बताया कि परमेश्वर ने उनकी आस्था को परखा है। परमेश्वर ने एक मेढ़े को बलि के लिए भेजा और अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि उसकी वंशज पूरी पृथ्वी पर फैलेगी। अब्राहम और सारा की कहानी विश्वास, धैर्य और परमेश्वर पर भरोसा रखने का संदेश निहित करती है। उनके जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं में भरोसा करते हैं और अपने संदेहों के बावजूद आस्था बनाए रखते हैं, तो हमें आशीर्वाद और परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक आए।